छत्तीसगढ़ की संवेदनशील बस्तर लोकसभा का हिस्सा है। और आपको बता दें कि 11 अप्रैल को लोकसभा सीट पर यहां पर चुनाव होने थे, उससे ठीक दो दिन पहले यह हमला किया गया और इसमें दंतेवाड़ा के विधायक की मौत हो गई। भाजपा के विधायक के काफिले पर नक्सलवादियों ने हमला बोला। 11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग से ठीक दो दिन पहले यह हमला बोला गया और भाजपा विधायक भीमा मंडावी की इस हमले में मौत हो गई। काफिले पर आईईडी से नक्सली हमले में 5 जवान शहीद हो गए और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस इलाके में 11 अप्रैल को चुनाव होने थे लोकसभा के और उसे ठीक दिन दो दिन पहले यह हमला बोला गया और इसमें भाजपा के विधायक का मृत्यु हो चुकी है और काफिले पर आईईडी से नक्सली हमले में 5 जवान भी शहीद हो गए और कई जवान गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। भाजपा विधायक भीमा मंडावी की इस हमले में मौत हो चुकी है। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने भाजपा विधायक के काफिले पर हमला बोला और इस काफिले के हमले में 5 जवान भी शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ की बहुत संवेदनशील बस्तर इलाका जो है, लोकसभा सीट पर यहां पर चुनाव होने थे और चुनाव से ठीक दो दिन पहले यहां हमला बोला गया और इस हमले में भाजपा के विधायक की मौत हो गई और साथ ही इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए और कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला बोला गया और इस हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। काफिले पर आईईडी से नक्सली हमले में 5 जवान भी शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील बस्तर लोकसभा का हिस्सा है।